नमस्कार, स्वागत है आपका फेलर स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, बीपीयू ग्राम पंचायत अधिकारी की जो भर्ती आई है उसमें एक विवाद भी चल रहा है, आपको मालूम है, कोर्ट केस भी चल रहा है। लेकिन मैंने उसका बताया था कुछ नहीं होने वाला इस कोर्ट केस का। जो ग्राम पंचायत अधिकारियों की 1468 पोस्टों पर जो वैकेंसी है उसके बारे में आपको इस वीडियो में चर्चा करूँगा पूरी की पूरी, कि इसमें कितना पैट की शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आपको नंबर चाहिए और कब इसका पेपर हो सकता है। सिलेबस संभावित है, लेकिन सिलेबस मुझे लग रहा है वही रहेगा जो मैं बताने की कोशिश करूंगा। आपको मालूम है जो वीडियो वाला सिलेबस है वही वाला। तो सबसे पहले सिलेबस की अगर मैं चर्चा करूं चाहती हूँ तो सिलेबस में तीन पोर्शन हैं इसमें, ठीक है, जो वीडियो में थे। जो अंदाज लग रहा है कि यही सिलेबस लगभग मेरे को हिसाब से सेम रहेगा। आपको 50% की हिंदी, मतलब 50% हिंदी के, 50% रीजनिंग के और 50% जीएस के। तो 150 नंबर का कुछ 150 क्वेश्चन आएंगे और 1% 2 नंबर का होता था। तो जो दो प्रश्न होते थे टोटल, मतलब 300 मार्क्स के। लेकिन इसमें जो नेगेटिव मार्किंग थी इस बार, जो वीडियो में आपको मालूम है 1/2 की, लेकिन अब सब में जो यूपी ट्रिपलएससी के नए रूल के हिसाब से जो नेगेटिव मार्किंग 1/4 की कर दी गई है, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग का थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन सिलेबस यही रह सकता है। अगर लास्ट में कुछ चेंज हो तो समझ में आएगा। लेकिन अगली बात करते हैं, पैट में कितने नंबर हों जो उम्मीद कर सकता है कि 1468 पोस्ट में उसका नाम आएगा। तो मेरे हिसाब से साथियों, जो पूरा एनालिसिस है मैं आपको बताऊंगा, प्रूफ के साथ बताऊंगा कि मेंस परीक्षा देने का मौका उस व्यक्ति को मिल सकता है जिसके जनरल में 71 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तीनों एक सी जा रही है, तो 71 मार्क्स होंगे, उनको ये मौका बिल्कुल मिल सकता है। इसका अभी मैं प्रमाण दूंगा, प्रूफ दूंगा, तब समझ में आएगा। ऐसे नहीं कि हवा में बात नहीं करेंगे हम, ठीक। आगे देखते हैं, एक चीज़ अभी बताऊंगा, अभी इसके बारे में चर्चा करूंगा पॉइंट के बारे में। सबसे पहले नीचे बात कर लेते हैं, जो ट्रिपल सी की बात है, ट्रिपल सी के समकक्ष सर्टिफिकेट चलेगा कि नहीं? बिल्कुल चल जाएगा। ट्रिपल सी है आपके पास और समकक्ष कोई डिप्लोमा वगैरह है, या 1 वर्ष या 6 महीने का कोई कोर्स किया हुआ है, या बीटेक वगैरह में 6 महीने का कोर्स होता ही है, मतलब कंप्यूटर होता है, तो आपका चल जाएगा, कोई समस्या नहीं है, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। दूसरा, पैट की जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो कब तक हो सकती है और परीक्षा कब तक हो सकती है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पैट में कितने नंबर वालों को सुरक्षित हैं और उनको मैच देने का मौका मिलेगा। देखो साथियों, अभी 2-3 दिन पहले हुआ क्या था कि जो जूनियर असिस्टेंट कनेक्ट सहायक था उसकी, मतलब पैट की शॉर्ट लिस्टिंग की कट ऑफ आई थी। अब आपको मालूम ही है जो पीईटी में कितने पद हैं, टोटल मिला के 1262 पद हैं। 1262 पद के अधीन आपकी जो 1262, ध्यान रखना कितने हैं, 1262 पद थे कनिष्ठ सहायक में। उसमें से जो छात्र पास किए गए थे, आपको मालूम है कितने छात्र पास किए गए थे, लगभग इसका हमेशा से 1262 का 30 गुना कर दो, 30 गुने ये बैठेंगे, लगभग 41037 छात्रों को क्रॉस किया गया था या पास किया गया था, ऐसे समझ लो। मतलब 1262 पोस्टों के सापेक्ष 41037 लोगों को पास किया गया था यूपी ट्रिपलएससी के द्वारा। और जिसकी कट ऑफ आपको मालूम ही है, कट ऑफ देखो, अगर मैं यहाँ दिखाऊँ नीचे तो कट ऑफ कितनी गई थी, कट ऑफ देखो, अनारक्षित की कट ऑफ गई थी 71.87, अनुसूचित जात की गई थी 69.06, अनुसूचित जनजाति की गई थी 54, और अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस जनरल के ही बराबर होते हैं। तो 1262 पोस्टों के लिए अगर कट ऑफ इतनी रह सकती है तो ये पोस्ट कितनी है, ये है 1468, कितनी पोस्ट हैं, 1468 पोस्ट हैं। उसके लिए जो शॉर्ट लिस्ट होगा, जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी पैट की, वो ज़्यादा छात्र होंगे, ऐसे समझ लो कि लगभग मेरे हिसाब से 44,000 से 45,000 के बीच छात्र हो सकते हैं जो शॉर्ट लिस्टिंग में आएंगे। किसकी, जो बीपीओ की शॉर्ट लिस्टिंग होगी, उसमें अगर इतने आएंगे, इसमें 41,000 छात्र हैं, इसमें 45,000, तो ये कट ऑफ जो 71 दिख रही है आपको, वो 71.87, तो 0.87 हटा दो, ये 71 पे रह जाएगी, ठीक है। बात समझ में आई, मैंने आपको प्रूफ भी बता दिया कि 71 वाले, जो 71 मार्क्स वाले हैं, 71 से कम भी हैं, थोड़ा सा पॉइंट कुछ पॉइंट में कम है, तो वो भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ये समझ लो कि 71 पे एकदम सेफ हो आप जनरल में, ठीक है, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, बाद बाकी कैटेगरी में थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये 71 नंबर हैं आपके, तो आप तैयारी करना शुरू कर दो और आपको इसकी शॉर्ट लिस्टिंग में अपना नाम देखने को मिल जाएगा, किसमें, ग्राम पंचायत अधिकारी में, ठीक है। अब बात करते हैं कि कब तक इसकी शॉर्ट लिस्टिंग संभव है। अब देखो साथियों, इसकी शॉर्ट लिस्टिंग अगस्त में संभव है, इसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी वो अगस्त तक आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है साथियों, इसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिलेगी आपको अगस्त में देखने को मिल जाएगी, अगस्त लास्ट तक देखने को मिल जाएगी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग, किसकी, ये तुम्हारी बीपीओ की। और जो शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी उसके बाद इसका जो पेपर की संभावना है वो
नवंबर नवंबर में होगा आपका पेपर, लगभग नवंबर में। तो आपको मालूम पड़ गया कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग अगस्त में देखने को मिल जाएगी, नवंबर में आपका पेपर हो जाएगा और सिलेबस लगभग मेरे हिसाब से यही रहेगा। दूसरा, इतने ही छात्र जो होंगे, मतलब 44,000-45,000 छात्र क्वालिफाई किए जाएंगे और 71 नंबर आपका एकदम सेफ स्कोर है। आप 71 नंबर अगर आप पैट 2022 में हैं तो आप एकदम तैयारी में लग जाओ, सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो कई दिनों से लोग कह भी रहे थे कि सर एक वीडियो बनाओ, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, 71 मार्क्स वाले एकदम सुरक्षित हैं, आप अपनी तैयारी में जुट जाओ, तैयारी करने लगो। ठीक है साथियों, तो अगस्त में शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी और नवंबर में आपका पेपर हो सकता है, एकदम पेपर हो जाए आपका। ठीक है साथियों, तो यही वीडियो था। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और साथियों चैनल पर पहली बार आते हो तो सब्सक्राइब करके भी रखो चैनल को। ठीक है साथियों, धन्यवाद।